जय हिंद। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो आपका असम राइफल का सिलेबस मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, क्लर्क और पीए लिखा है, यह सिर्फ आप क्लर्क और पीए वाले लोगों के लिए ही नहीं है। मैं थंबनेल पे भी लिख दिया हूं इसीलिए कि यह सिर्फ क्लर्क और पीए वालों के लिए नहीं, स्पेशली यह क्लर्क वालों के लिए, यह जो एनालिसिस किया हूँ यह सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन आपका जो है कि यह अगर आप किसी अन्य ट्रेड से हैं, कुक से हैं, सफाई से हैं, मसालची से हैं और रोड से है कि या किसी अन्य ट्रेड से है, वॉशरमैन हो गया, एनए हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट, किसी भी ट्रेड से हो, सबके लिए लगभग सेम ही होने वाला है। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस के बाद जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज तो ये एक्सेप्शनल में आ जाएगा, आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। क्रिटिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा ये नहीं रहेगा आपके लिए, सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग मैं लिखा हूँ इसका रीजन बताऊंगा, और क्लर्कल एप्टीट्यूड ये जो है और मिसलेनियस, तो इसके बारे में चलिए बात करता हूँ कि यह सबसे पहले कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ क्लर्क के लिए नहीं, सभी के लिए है, लेकिन तो क्लर्क और पीए के लिए स्पेशली है, क्योंकि दिस सिलेबस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर 2022 और प्रोक्योरमेंट 2021, जो 2022 में पेपर हुआ था 2021 की भर्ती थी। यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, 2021 की जो भर्ती थी 2022 में का जनवरी में क्लर्क का पेपर हुआ था, शायद 19 जनवरी को हुआ था, तो उसके बेसिस पे यह पेपर है। क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया था, आपको टाइम कितना मिला था, 120 मिनट, कितने मैक्सिमम मार्क्स, 100 मार्क्स थे, जिसमें से पॉइंट नोट करने वाला है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं था। और इसमें से 3 सेट आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी करके आता है। सिर्फ उसमें क्या होता है, क्वेश्चन का ऑर्डर डिफरेंट होता है, क्वेश्चन आपका सेम ही होता है। ये मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उस पे से मैं इस प्रयास से आपको एनालिसिस करके लाया हूँ। 13 पेज का आपका क्या था, क्वेश्चन पेपर था क्लर्क का, और दीपू में इसका एग्जाम हुआ था। और यहीं पे मैं अभी बता दूं कि 2018 और 19 का पेपर इससे थोड़ा सा टफ था, 2022 में जो हुआ था 2021 के भर्ती का, यह थोड़ा सा उससे लेवल डाउन था। अब ये नहीं पता और भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो क्लर्क या पीए दोनों का पेपर एक ही साथ होता है, सेम होता है, रैली भी एक ही जगह होती है, सिर्फ इन लोगों के लिए टाइपिंग होता है और इन लोगों के लिए शॉर्ट हैंड होता है। यहाँ पे आ जाइए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पहला आपका पोर्शन क्या था उसमें 20 क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला पोर्शन ही था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। और देखिए आप चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा इस पीडीएफ को। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, 20 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन, एक नंबर पहले नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर तक आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आया था, इसलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग भी दे दिया हूँ। कैसा कैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यू ऑफ टेन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, तो वैल्यू ऑफ टेन, कॉस, कॉसेक, इस तरह से का क्वेश्चन पूछा गया था। और फार्मूला पूछा गया था, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सिलेंड्रिकल एक्सेट्रा, इस टाइप के आप से पूछे गए थे, या एरिया ऑफ सर्कल वाला आया था, तो उसी के बेसिस पे आप जान लीजिए कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, रोम्बस, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। मीन वैल्यू पूछा था, मीन वैल्यू पूछने के बाद आप आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ इतना बराबर इतना दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि मैथमेटिक्स का लेवल क्या होने वाला है। और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा इसके लिए सभी लोगों के लिए उपाय, अगर आप लोग किसी और ट्रेड के हैं और आके यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बताऊंगा सभी लोगों के लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे क्या करें, क्लियर हो जाए। बुक के बारे में भी बात कर लूंगा, लेकिन तो बुक के लिए मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। अब नेक्स्ट पे आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 21 से 40 क्वेश्चन, 21वें नंबर से 40वें नंबर क्वेश्चन पिछले साल आपका आया था, 21 से 40 में आपका रीजनिंग का था 20 क्वेश्चन। अब उसमें कैसा पूछता है, तो आप देखिए 5:20 यह होगा, तो अब इसका यह बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, यह देखिए 5:40 और यहाँ पे देखिए क्या होगा 25, जो भी होगा आप देख लीजिए, ठीक है 4:40। अब 6:11:12:36:56, तो आगे क्या होगा, ये देख रहे हैं ना किस बेसिस पे चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन, बी ए बी डी एफ एच बी ए डी सी ई एफ ई एच जी, तो यहाँ पे आगे क्या होगा,
सीरीज का और एनालॉगी दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन से ये जो मैं आपको दिखाया हूँ ना, यह वाला और यह वाला, इसी से पूरा आपका भर दिया था उसमें। यानी सीरीज और एनालॉगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी लेवल बहुत डाउन रहता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि आपका जो 2018-19 में पेपर हुआ था उसमें आपका उससे पूछ दिया था अल्फ़ाबेट से, जैसे ए ए बी सी सी स्पेस, वहाँ पे क्या होगा उसको मतलब मैच करना था, पेयर बनाना, ए बी सी सी स्पेस डी ए बी सी स्पेस, फिर इस तरह से जो आता है क्वेश्चंस वो था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 41 से 50 तक 10 क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ऊपर 20-20 था, नीचे 10 क्वेश्चन आपका क्या हो गया जनरल नॉलेज का हो गया। जनरल नॉलेज में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट पीक पूछ दिया था, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक किस कंट्री में है, नेपाल चाइना इंडिया कहाँ पे, इस तरह से दिया था, ऑप्शन आपको टिक करना था। व्हाइट कोल इज नोन एज, व्हाइट कोल किसे बोला जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टाइम जोन के बारे में पूछा था कि कहाँ का टाइम जोन कैसा है उसके बारे में। विटामिन का पूछा था सोर्स की, आपका विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सोर्स पूछा था इस तरह से, विटामिन का सोर्स। रेनबो में कितने कलर होते हैं डायरेक्ट पूछा था, तो आपके साथ सेवन सिस्टर्स पूछा था, उसमें क्या दिया था, इतना लेवल इसका कम था, लो था। सेवन सिस्टर जब पूछा था तो उसमें ऐसे डायरेक्ट पूछा था कि सेवन सिस्टर में इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो उसमें दिया था वेस्ट बंगाल उड़ीसा, इस तरीके का दिया था, और एक ऑप्शन था त्रिपुरा। तो अब बताओ ये लेवल अगर थोड़ा सा इस लेवल हाई करना था तो दे देता उसमें कि कौन सा इसमें से नहीं है, दे देता त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, फिर उसी में डाल देता बीच में सिक्किम को, तब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा उससे तो पहले से तो टफ थोड़ा सा एक हो ही जाता। स्टेट का कैपिटल, करेंसी, कंट्री का कैपिटल, ये भी पूछेगा आपसे, पूछ सकता है। और ये जो पूछा था इसलिए मैं लिखा हूँ, संविधान के पिता कौन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा था। फिर इसके बाद आप आइए जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में क्या था क्वेश्चन नंबर 51 to 70, 51 से 70 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन आपकी जनरल इंग्लिश से थे। इसके अंतर्गत आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्लर्क का, क्लर्क का देखिए, सिनोनिम एंटोनिम पूछा था, काइंड का पूछा था सिनोनिम क्या होता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, ए एंड द का प्रयोग कहाँ किया है, फिलप्स आता है, फिलप्स में आपका बहुत वास्ट यह होता है, इसमें प्रीपोजिशन टेंस सब कुछ इसमें पूछ लेता है आपका, इसी में आपका फिलप्स में टैग वैग सब आ जाता है। और टेंस तो पाए आपको तो बेसिक है, टेंस तो जानना ही चाहिए, टेंस टेंस दो बार लिख दिया हूँ, चलिए इसको देख लूंगा। idioms एंड phrases भी आया था, अब पिछली बार के पेपर में नहीं आया था, 2022 वाला जो 2021 की भर्ती थी, 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें तो नहीं आया था, शायद नहीं आया था, लेकिन तो आप idioms phrases को भी पढ़ लीजिएगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में 15 क्वेश्चन देखिए, अब से 15 क्वेश्चन होगा, 20-20 यहाँ पे कितना आ गए, अब देखिए 15 क्वेश्चन 71 से 85। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, बहुत टफ टफ नहीं आता है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फुल फॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, लाइक CD का, CPU का, USB का, PDF का, उतना हाई लेवल नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन तो आगे बने रहिए वीडियो के एंड तक। LU इज यूज्ड टू, LU का क्या काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। इंटरनेट का जो चैप्टर उसे पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट कीज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, प्रिंट करने के लिए, ओपन न्यू पेज करने के लिए, फार्मूला यूज्ड इन एक्सेल, एक्सेल में कौन सा फार्मूला यूज होता है, जैसे कि एक्सेल में जो फार्मूला यूज होता है तो जो फॉर्मेट उसका क्या होता है, सबसे पहले इक्वल टू लगता है ना, तो वही वाला क्वेश्चन इसमें पूछा था। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में पूछा था, पावर पॉइंट का स्लाइड क्या होता है, इन सब के बारे में देखिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड एनिमेशन के बारे में पूछा था, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तीन चीज तो पढ़ना जरूरी है। ये देखिए फायरवॉल पूछा था, इंटरनेट के अंतर्गत अभी आ जाएगा, फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ क्या, सिक्योरिटी क्या है। मेमोरी के बारे में पूछा था, परमानेंट मेमोरी, टेंपरेरी मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल के बारे में जान लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस,
कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, क्लर्कल एप्टीट्यूड, क्लर्कल एप्टीट्यूड में को मैं दूसरा नाम यहाँ पे दिया हूँ क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजनिंग ही रहता है सिर्फ। जैसे मैं आपको बताऊँ 2018-19 का जो था क्लर्कल एप्टीट्यूड आपका बहुत हाई लेवल था एज कंपेरिजन टू 2021 वाले भर्ती का जो पेपर आया हुआ था। तो इसमें कितना, इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन, उस पर पूरे यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या था, रीता वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन, फिर उसके बाद जाके लेफ्ट मुड़ती है, इतने किलोमीटर बाद राइट मुड़ती है, तो डायरेक्शन से आपका 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। तो आप इसी के अप्रॉक्स मान लीजिए, एनालॉगी से आया था 10 से 12 क्वेश्चन, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए मैं 2 एग्जांपल इसलिए आपका सेट कर दिया, कॉर्ड टेलीफोन, देखिए ये क्रिटिकल रीजनिंग क्यों है, कॉर्ड है टेलीफोन, फिर टेलीविजन का क्या होगा, तो यहाँ पे वॉच का मतलब घड़ी है, स्क्रीन टेबल, टेलीविजन में क्या प्रोग्राम आप देख लीजिए, भी रियल रियल वास्तविकता, वास्तविक और हॉस्टाइल अनफ्रेंडली जो होता है, और यहाँ पे रियल का क्या होगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया क्या, नहीं नहीं यहाँ पे रहना चाहिए था डॉट, यहाँ पे रहना चाहिए था एक डॉट इस जगह पे, तो हॉस्टाइल फ्रेंडली, तो रियल का क्या होगा, ये ल्योर मतलब चारा यहाँ पे सेंस है, वेरी इमेजिनरी, तो रियल का इमेजिनरी, इस टाइप का आप देख लो कि क्रिटिकल रीजनिंग। और एक मिसलेनियस पूछा था, मिसलेनियस में से आप कुछ भी आ सकता है, देखिए 10 से 12 क्वेश्चन यहीं पे, 10 क्वेश्चन मान लीजिए कम से कम आएगा 2, आपका कितना हो गया 12, और आप मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बाहर से आ जाएगा। अब नीचे आ जाइए एलिमेंटरी मैथमेटिक्स का, यही आपका पूरा पेपर, क्लर्क का पेपर मैं कवर करा दिया कि क्या क्या पूछा था, कैसे कैसे। आप ये चैनल है नेशनल कोबरा कैरेट्स, इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर लीजिएगा, यह स्ट्रिक्टली बेस्ड मैं बता दिया हूँ डिटेल एनालिसिस। आप आ जाइए नीचे, क्या है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन, किस किस लेसन को आप कवर करेंगे, तो आपका हो जाएगा यह है, इसको मैं PDF को सेंड कर दूंगा, जनरल इंटेलिजेंस से है, कहाँ से पढ़ेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की क्या से क्या होगा, जनरल इंग्लिश से कौन सा पोर्शन है यहाँ पे कवर कर दिया, और नीचे लिंक उंक दे दिया हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक क्लिक करके आ जाएंगे। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका, कि आप कहाँ से पढ़ें। सबसे सही है कि अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की, या SSC का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, CHSL का हो गया या कोई भी हो गया, MTS का, तो आपका बहुत ही ये ईजी हो जाएगा पेपर को क्रैक करना। तो आप एकदम बिंदास SSC GD का तैयारी कीजिए, और आप आपका सिलेक्शन, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको पता है कि इसका कट ऑफ जो गया था +90 गया था UP, बिहार, झारखंड, ऐसे ऐसे स्टेट का, तो आपको वही टारगेट लेके चलिए कि मिनिमम +90 मार्क्स तो मुझे हर एक हाल में स्कोर करने हैं, तभी कुछ काम होगा। तो यही है आपसे, आपको मैं बता दिया। और बुक के बारे में बता दूं, तो बुक से सबसे अच्छा है कि आप खुद से जो भी ऑनलाइन इधर उधर से पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए और सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बस यही है। मॉक टेस्ट दे करके अपना इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बता दिया हूँ, जैसा जैसा आए इन सबको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ ये सब पिछली बार के क्वेश्चन इसी टाइप के आए थे, तो इस टाइप पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी ये वीडियो आपकी 14-15 मिनट की हो गई, चलिए ठीक है, अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। ओके, जय हिंद।